सभा के अंतर्गत मंगलवार जागेश्वर मंदिर प्रांगण में बाबा जागेश्वर महादेव जी की कृपा से एक विशाल भंडारा एवं भजन संध्या बाबा जागेश्वर महादेव को प्रसाद अर्पण कर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय महावैश्य संगठन कानपुर इकाई के अध्यक्ष श्री गोपाल तुलसियान जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरजाशंकर मिश्रा अध्यक्ष श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा को माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बहुत से भक्तों ने अपना नृत्य और गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से दीपा डालमिया, चेतना गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, आस्था पांडे, पंडित तनु शर्मा, मिशिका डालमिया, गीता गुप्ता, आकांक्षा को स्मृति चिन्ह देकर उनकी प्रतिभा का सम्मान किया गया। अध्यक्ष श्री गोपाल तुलसियान जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि वे अपने संस्था के माध्यम से आगे भी इसी प्रकार के विभिन्न सामाजिक कार्य करते रहेंगे और अगले माह निःशुल्क मेडिकल कैंप को प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन प्रधान महामंत्री विराट गुप्ता जी ने किया और बताया कि भंडारे में करीब 2000 लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और बाबा भोले शंकर जी के भजनों का अमृतपान का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष श्री गोपाल तुलसियान, महिला इकाई अध्यक्षा श्रीमती गीता गुप्ता, प्रधान महामंत्री श्री विराट गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, पवन गुप्ता, चेतना गुप्ता, आकांक्षा सिंह, दीपा डालमिया आदि लोग उपस्थित रहे। देखे खास रिपोर्ट कानपुर से। जागेश्वर मंदिर प्रांगण में सावन के शुभ अवसर पर, सावन का जो ये दूसरा सावन चल रहा है, जो बीच का एक महीना होता है वो सबसे पवित्र सावन माना जाता है अधिक मास के रूप में, इसमें आज हम लोगों ने यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम और अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन की ओर से भजन संध्या का कार्यक्रम रखा है, जिसमें भजन और नृत्य के कार्यक्रम कानपुर के स्वयंसेवियों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई भी कलाकार, पेशेवर कलाकार नहीं, अपने शौक से अपने कार्यक्रम कर रहा है और यहाँ पर हमारे साथ हमारी महिला इकाई के अध्यक्ष गीता गुप्ता जी एवं उनकी टीम भी मौजूद है और मुझे विश्वास है कि हम लोग आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन का प्रधान महामंत्री, यहाँ पे सावन माह और पुरुषोत्तम माह के अवसर पर श्री अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन और श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा द्वारा भजन संध्या एवं भंडारा का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे सभी भक्तगणों को निमंत्रण दिया गया है और यहाँ पे बहुत से भक्त और पेशेवर गायक ना होके नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे आके गायक और नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी क्या उनको सम्मान भी दिया जाएगा आज? हाँ, हम लोगों ने कुछ सम्मान प्रतिका का व्यवस्था भी की है, जो जिन भक्तों का अच्छा सबसे गायक और नृत्य होगा उनको सम्मान या कुछ किया। एक मिनट, मैं अनिल गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन कानपुर नगर इकाई और महिला इकाई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आयोजन जागेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा है और इसमें
जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसे भजन संध्या और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये सभी हमारे घर परिवार के ही सदस्य आए हैं जिन्होंने प्रस्तुत किया है, और इनको कोई पेशेवर रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये सब अपने घर परिवार के ही लोग हैं और इनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं, और हमारा भंडारा भी चल रहा है जिसमें सभी भक्तगण आकर के यहाँ भंडारे भी प्रसाद ग्रहण करते हैं।